हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। आज हम करेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन वन देखें, मानसिंह ने अकबर नगर यानी राजमहल नामक शहर की स्थापना कहाँ की थी? तो यहाँ पर जो बात हो रही है, ये है आमेर के मानसिंह, ठीक है, तो जो कि भगवान दास के बेटे थे। तो मानसिंह ने अकबर नगर नामक शहर की स्थापना कहाँ की थी? चार ऑप्शन हैं, ध्यान से देखें, बिहार, उड़ीसा, काबुल या बंगाल। तो सोचिए, आप लोगों ने पढ़ाई की है तो इसमें से क्या रहेगा सही आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मानसिंह, जिनका सर्वाधिक समय जो है वो मुगल शासन में ही बीता, ठीक है, इनके समकालीन जो मुगल शासक थे वो कौन थे? अकबर था और जहांगीर था। बहुत ही छोटी उम्र में जो मानसिंह थे वो मुगल दरबार में चले गए थे, ठीक है, लगभग 11-12 वर्ष की उम्र में ही ये वहां चले गए थे और जीवन पर्यंत यहीं पर रहे थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बंगाल, ठीक है। तो यहाँ बंगाल अभियान के दौरान जो है अकबरपुर कस्बा इन्होंने बसाया था, या अकबरपुर नगर भी कह सकते हैं, और जिसमें मानसिंह के तीन बेटे मारे गए थे, हिम्मत सिंह, जगत सिंह और दुर्जन सिंह, ठीक है। मानसिंह के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि इन्होंने जो है वो बिहार में मानसिंह कस्बा बसाया था, ये भी आप थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मानसिंह के बारे में और भी है, और वो क्या है कि मानसिंह की जो रानी थी कौन? कंकावती। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में हमें देखने को भी मिला है कि मानसिंह की रानी जो कंकावती थी, तो इन्होंने, इनके जो बेटे थे जगत सिंह, तो जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? आमेर में करवाया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। एक और बात याद रखिएगा कि मानसिंह जो है वो बंगाल से शीला देवी की मूर्ति लेकर आए थे, ठीक है। शीला देवी की मूर्ति जो है वो कहाँ से लेकर आए थे? बंगाल से लेकर आए थे, और कहाँ स्थापित करवाई थी इन्होंने? आमेर में ही स्थापित कराई थी। तो दो पॉइंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंकावती ने जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया, और बंगाल से ही शीला देवी की मूर्ति जो है मानसिंह कहाँ लेकर आए? आमेर में लेकर आए, यहाँ पर स्थापित करवाई थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, रणथंभौर के चौहान प्रथम पराक्रमी शासक कौन थे जिसने दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया? ऑप्शन है हमीर देव, वाकपति राज, गोविंद राज या दुर्लभ राज। तो बताइए कि रणथंभौर के वो कौन से शासक रहे हैं जिसने दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया? तो यहां सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमीर देव चौहान, ठीक है। यहां पर वाकपति राज जो है नहीं रहेगा, आंसर क्या रहेगा? हमीर देव चौहान रहेगा, ठीक है। तो ये जो है सही आंसर होगा। तो देखिए यहां पर जो गोविंद राज हैं, तो ये पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे इनके बेटे थे, ठीक है, और 1194 ईस्वी में चौहान वंश की नींव जो है वो रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? रणथंभौर में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जब क्या हुआ था कि जब पृथ्वीराज चौहान की जो है मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है कि उसका जो भाई था पृथ्वीराज चौहान का, हरराज चौहान, ठीक है, तो वो इनके बेटे जो हैं गोविंद राज, इस पर क्या करते हैं? हमला करते हैं। यहाँ से, ये छोटी उम्र के ही थे, तो यहाँ से जो है भाग कर ये कहाँ पर चले जाते हैं? रणथंभौर चले जाते हैं, ठीक है, और 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखते हैं। और उसके बाद जो प्रतापी शासक आए हैं वो हैं हमीर देव चौहान, ठीक है। और हमीर देव चौहान जो हैं, इनके बारे में हमें जानकारी जो है कहाँ कहाँ से मिलती है, कई बार मैंने जो है ये बताया भी है। एक तो मिलती है हमीर महाकाव्य से, कहाँ से मिलती है? हमीर महाकाव्य से, ठीक है। दूसरा जो है वो कहाँ से मिलती है? हमीर रासों से भी मिलती है। ये दो ग्रंथ जो हैं वो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित हैं? हमीर देव से ही संबंधित हैं, ठीक है। और एक जो है हमीर मद मर्दन, ये हमीर देव चौहान से संबंधित नहीं है, ठीक है। वो है जो इल्तुतमिश का जो युद्ध होता है जैत्र सिंह के साथ, तो उसके बारे में उसका वर्णन हमीर मद मर्दन में। यहाँ आप दो नाम याद रखेंगे, ग्रंथ जो हैं हमीर महाकाव्य और हमीर रासो, हमीर देव चौहान से संबंधित हैं,
ठीक है। हमीर महाकाव्य जो है वो किसके द्वारा लिखित है, तो ये भी याद रखिएगा, नयन चंद सूरी के द्वारा लिखित है, ठीक है। और हमीर रासो जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो ये जो है जोधराज के द्वारा रचित है, ठीक है, सारंगधर और जोधराज के द्वारा रचित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन थर्ड, चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके कर देने को विवश किया था? जयचंद द्वितीय, अनिल राज प्रथम, मूल राज प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय? तो बताइए, चौहान वंश की बात हो रही है, तो चौहान वंश का वो कौन सा प्रतापी शासक है जिसने विग्रहराज सेकंड जो थे, तो अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके कर देने को विवश किया था? तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मूल राज प्रथम, ठीक है। चले नेक्स्ट देखें, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ इसमें पृथ्वीराज की पराजय का क्या कारण था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था इसमें पृथ्वीराज जो तृतीय हैं, इनकी बात हो रही है, चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड, इनकी पराजय का क्या कारण रहा? मोहम्मद गौरी द्वारा युद्ध की संपूर्ण तैयारी, पृथ्वीराज द्वारा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद सैनिक शक्ति को पुनः युद्ध हेतु पूर्ण रूप से संगठित नहीं करना, या उपरोक्त सभी, क्या कारण रहे? तो इसमें थोड़ा सा आप सोचिए कि क्या कारण रहे थे। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है वो होता कब है? 1192 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम जो है वो 1191 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है, ठीक है, और यहां से जो है वो वापस चला जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो पराजय का मुख्य कारण क्या था, यहां पर पराजय का मुख्य कारण ये सभी थे। एक तो क्या था कि मोहम्मद गौरी द्वारा युद्ध की संपूर्ण तैयारी, जब पहला युद्ध जो है वो पृथ्वीराज थर्ड जीत जाते हैं, अब वो ये सोचते हैं कि जो है अब ये चला गया, मोहम्मद गौरी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है उसकी जो सेना वापस जा रही थी उसका पीछा नहीं करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। दूसरी जो है अब वो सोचते हैं कि अब ये आक्रमण नहीं करेगा, तो यहां पर ये आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो है, तराइन का जो पहला युद्ध था उसके बाद सैनिक शक्ति को दोबारा से युद्ध के लिए इन्होंने संगठित नहीं किया था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था पृथ्वीराज थर्ड को कि मोहम्मद गौरी जो है वो दोबारा से आक्रमण करेगा। तो यहां पर छल से जो है मोहम्मद गौरी दोबारा से पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर जो है वो आक्रमण करता है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, चाहे आरबीएससी की बात करो, आरबीएससी में भी ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा, और जो अभी हमारा राजस्थान बुक जो उसमें पढ़ा, ठीक है, कोर्स में जिन बच्चों ने लिया तो उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है। तो यहाँ पर ए है जलाल खां टोडरमल मानसिंह भगवन दास, मानसिंह जलाल खां टोडरमल भगवन दास, जलाल खां मानसिंह भगवन दास टोडरमल, या टोडरमल जलाल खां मानसिंह या भगवंत दास। तो बताइए इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान देना है कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो अकबर क्या चाहता था कि महाराणा प्रताप जो हैं वो अधीनता स्वीकार कर ले मुगलों की, ठीक है। मेवाड़ में महाराणा प्रताप जो हैं ये भी स्वीकार नहीं कर रहे थे अधीनता। बाकी मारवाड़ में भी हम देखते हैं कि राव चंद्रसेन जो हैं उन्होंने भी जो है आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो बिल्कुल महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन जो हैं इन दोनों की तुलना की जाती है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर बातचीत के लिए जो अकबर ने सबसे पहले जो शिष्टमंडल भेजे थे तो वो कौन थे? तो सबसे पहले जो थे जलाल खां, ठीक है, उसके बाद आमेर के मानसिंह को भेजा, भगवन दास को भेजा, इन्हीं के पिता थे, टोडरमल को भेजा था, ठीक है। तो जलाल खां को जो है इन्होंने कब भेजा था? 1572 ईस्वी में भेजा था, उसी के एक साल बाद, यानी कि उसी साल जो है 1573 में इन तीनों को भेजा। साल भी जो है वो आप याद रखें,
ठीक है, 1572 में जलाल खां को भेजा, फिर 1573 में मानसिंह, भगवंदास और टोडरमल, थोड़े थोड़े समय के बाद जो है इनको भेजा था, लेकिन फिर भी जो है वो प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो कई जो हैं धीरे धीरे करके ये फिर से दोबारा से भेजते हैं। इसके बाद जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है 21 जून को 1576 को, फिर भी अधीनता जो है स्वीकार नहीं करते हैं। और उसके बाद जो है ये भी याद रखिएगा कि 1577 में, 1578 में, 1579 में, 3 बार जो है शहबाज खान को भेजा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1580 में जो है किसको भेजता है अकबर? अब्दुल रहीम खान, जो खाने खाना है उनको भेजता है। ठीक है, फिर भी जो है अकबर, सॉरी, फिर भी महाराणा प्रताप जो है वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो मैंने आपको यहाँ बता दी। निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? चंदवरदाई, सोमदेव, जनार्दन या जयानक? तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी विद्वान थे उन सभी के नाम जो हैं वो याद होने चाहिए। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सोमदेव। इसका मतलब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, चंदवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था, बढ़ चढ़कर पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा। ठीक है, जनार्दन ये भी दरबारी विद्वान थे और जयानक भी थे। इसके अलावा जो है बागीश्वर, विद्यापति है ना, आशाधर, ये भी दरबारी विद्वान जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान के थे। तो ये सोमदेव जो हैं ये कौन थे, इनका नाम भी याद रखिएगा कि जो विग्रहराज चतुर्थ थे, जिनको क्या बोला जाता है, विसल देव बोला जाता है। तो इनके यहाँ पे ये कवि थे सोमदेव, इनके द्वारा जो ग्रंथ था उसका नाम था ललित विग्रहराज। विग्रहराज का नाम भी आ रहा है इसमें, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि विग्रहराज की ही बात हो रही है, और कौन से विग्रहराज, फोर्थ, जिनको विसलदेव कहा गया। ठीक है, तो ये सोमदेव नाम जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान, तो इनके बारे में याद रखिएगा, जन्म जो है इनका कहाँ होता है, गुजरात में होता है जन्म। ठीक है, मृत्यु इनकी कहाँ होती है, यदि आपको नहीं पता है याद रखिएगा, मृत्यु इनकी होती है अजमेर में। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था कि जो 1192 का जो युद्ध होता है तराइन का, सेकेंड युद्ध, तो इसमें जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। चंदवरदाई कुछ और ही बताते हैं कि इनकी मृत्यु 1192 में नहीं हुई, बल्कि मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द विधि बाणों से मारा था। ठीक है, वो चंदवरदाई कहते हैं क्योंकि चंदवरदाई इनके दरबारी विद्वान थे, तो वो अपने राजा के बारे में, अपने शासक के बारे में बहुत अच्छा ही बताएंगे। ठीक है, उपाधि जो है पृथ्वीराज चौहान की क्या थी, राय पिथौरा थी, राय पिथौरा उपाधि थी, दल पंगुल थी, विश्व को जीतने वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं, पंडित गौरी शंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है, कर्नल जेम्स स्टॉट ने चौहानों को विदेशी माना है। तो कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे आप बुक पढ़ रहे हैं 6 से 12 तक की, एनसीईआरटी, आरबीएसई, या आपने कोर्स लिया हुआ है, तो आप 100% इसका आंसर जो है वो बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जहां आपको ऐसा लगेगा कि चारों ही सही हैं, लेकिन इसमें से बताना है एक गलत। तो अभी डिटेल में मैं आपको ये जो है वो चारों ऑप्शन बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है बिजोलिया लेख के आधार पर, बिजोलिया लेख जो है ये किसके द्वारा लिखित है, तो गुणभद्र के द्वारा लिखित है, एक ये फैक्ट आपका हो गया इम्पोर्टेंट। ठीक है, और बिजोलिया शिलालेख जो है जिसमें चौहानों को बताया गया है कि ये वत्स ऋषि के वंशज थे और ये चौहान जो है वो ब्राह्मण वंश से जो है इन ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये तो सही लाइन है बिल्कुल। दूसरा देखें, पंडित गौरी शंकर ओझा चौहानों को क्या बताते हैं, सूर्यवंशी बताते हैं। तो यहाँ पर जो है गौरी शंकर ओझा के अलावा जो है हमीर महाकाव्य जो नयनचल सूरी के द्वारा है, हमीर रासो जो जोधराज के द्वारा रचित है, इसमें भी लिखा हुआ है कि चौहान जो हैं ये इनकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, सूर्यवंशी हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा एक बेदला शिलालेख है उसमें भी इनको सूर्यवंशी बताया गया है, किसको, चौहानों को।
फोर्थ ऑप्शन देखिए कर्नल जेम्स टॉड। तो यहां मैंने आपको थोड़ी सी ट्रिक ही बताई थी, कर्नल जेम्स टॉड जो है वो इनका नाम कैसा है, विदेशी नाम है। तो ये चौहानों को क्या बोलते हैं कि चौहान जो है वो बाहर से आने वाली जाति है और ये एक विदेशी है। तो ये आपको यहां पर याद हो गया, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड जिनको हम टोपी वाले बाबा बोलते हैं, राजस्थान इतिहास के जो है वो जनक बोलते हैं। इनकी जो बुक है पश्चिमी भारत की यात्रा, इसकी जो है इन्होंने रचना की थी। कई फैक्ट मैंने आपको यहां बताए, ठीक है। अब देखिए गलत क्या बात है, गलत ये है पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है, ये गलत है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है, चंदवरदाई के द्वारा। चंदवरदाई कौन थे, अभी मैंने बताया कि ये जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे, विद्वान थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि जो चौहान हैं इनकी उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई है, ठीक है। जो माउंट आबू पर गुरु वशिष्ठ जो थे तो वो क्या कर रहे थे, वहां पर अग्निकुंड से जो है इन्होंने चार जो शासक थे वो उत्पन्न किए थे, जिसमें पहले तीन किए थे प्रतिहार परमार चालुक्य, ठीक है। जब ये भी राक्षसों का विनाश नहीं कर पाए थे तो इन्होंने जो है वो अंतिम शासक जो इस अग्निकुंड से निकले थे वो थे चौहान, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे। तो ये अग्निकुंड मत कहता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासों में चौहानों को क्या बताया है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई है, तो ये गलत हो गया। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आंसर है इसका। मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है, माहौली के युद्ध को, राणापुर के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को या हल्दीघाटी के युद्ध को। तो सोचिए इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा। तो देखिए एग्जाम के लिए जो है आपका जो महाराणा प्रताप का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और आप भी हर बार देखते हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर महाराणा प्रताप, मेवाड़ में महाराणा प्रताप से संबंधित जो है वो प्रश्न ना आए। तो मेवाड़ का मैराथन युद्ध जो है कहा जाता है दिवेर के युद्ध को, ठीक है। और ये दिवेर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, तो इसको भी याद रखिएगा कि अक्टूबर में जो है 1582 ईस्वी को ये दिवेर का युद्ध जो है वो लड़ा गया था, कहां पर, राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद में लड़ा गया था, और किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह, अमर सिंह फर्स्ट, ठीक है, इनका, और अकबर का जो गवर्नर था सुल्तान खां, इन दोनों के बीच में ये युद्ध जो है वो लड़ा जाता है। और इसमें जो है वो हारता कौन है, ये सुल्तान खां जो है ये हार जाता है और ये मारा भी जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। हल्दीघाटी के युद्ध में जो है, इस युद्ध को आप अच्छे से जानते हो कि आपको दो डेट याद रखनी होती है, 18 जून या 21 जून, दोनों ही डेट में से एक ही डेट आपके एग्जाम में आएगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 18 21 दोनों ही आ जाए। तो हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून या 21 जून 1576 को लड़ा गया था दिवेर के युद्ध से पहले। और हल्दीघाटी है कहाँ, राजसमंद में है ये भी, ठीक है, खमनोर और गोगुंदा के बीच में है। तो युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ था, तो यहाँ पर युद्ध जो है ये प्रताप के बीच में, यानी महाराणा प्रताप और किसके बीच में हुआ था, अकबर के बीच में हुआ था। अकबर के साथ में जो है मानसिंह था, आसफ खां था, ठीक है, मेहतर खां था। चलिए नेक्स्ट देखिए, 9th क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने जगन्नाथ जैसे विद्वान को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आमेर के राजपूत राजा ने, किस राजपूत राजा ने जगन्नाथ जैसे विद्वान को संरक्षण प्रदान किया था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, बीकानेर के राय सिंह, मारवाड़ के चंद्र सिंह या आमेर के महाराजा मान सिंह। तो यहाँ आंसर जो है वो मैंने ही बता दिया आपको कि आमेर के हैं राजा और वो कौन है, महाराजा मान सिंह, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो जगन्नाथ जो थे इनको संरक्षण प्रदान किया था, और ये एक कवि थे, ठीक है। इनके द्वारा जो है वो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, ये जो है इनके द्वारा रचित तो ग्रंथ है, ठीक है, याद रखिएगा। जगन्नाथ के द्वारा जो है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ जो है वो रचित है। नेक्स्ट देखिए, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था। पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ या अर्णोराज। तो सोचिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा।
बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं, तो ये सभी जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम में आने की संभावना इनमें से रहती है। ठीक है, तो सोचिए इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है विग्रहराज चतुर्थ, जिनको हम क्या कहते हैं, विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चौहान वंश के जो हैं वो पहले शक्तिशाली शासक हुए। ठीक है, कवि भी थे ये, विद्वान भी थे। ठीक है, और इनके बारे में इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो क्या है कि इन्होंने जो है अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर में संत सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, तो वह ये जो पाठशाला है इसको तुड़वा कर जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा है यहाँ पर बनवा देता है। ठीक है, इनके समय के जो विद्वान कवि हैं वो हैं जयानक भट्ट। ठीक है, और ये जो जयानक भट्ट हैं, ये कवि कवि बांधव की उपाधि जो है ये विसल देव विग्रहराज चतुर्थ को देते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि जयानक भट्ट के द्वारा विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी जाती है, क्योंकि ये जो विग्रहराज चतुर्थ थे ये खुद क्या थे, कवि थे, विद्वान थे। और इसके अलावा भी दो दरबारी कवि थे इनके यहाँ के, और वो कौन थे, एक तो नरपति नालय थे, ठीक है, और दूसरा सोमदेव थे। सोमदेव के बारे में मैंने आपको बताया कि सोमदेव ने ललित विग्रह राज ग्रंथ लिखा था। नरपति नालय जो है इन्होंने विसल देव रासो लिखा था, विसल देव रासो, ठीक है, ये ग्रंथ लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 11, मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना। मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना, जैतमल, राम, पृथ्वीराज या चंद्रसेन। तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि मारवाड़ के जो मालदेव थे, इनके बाद मारवाड़ का शासक कौन बना। तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा राव चंद्रसेन। ठीक है, जिस तरीके से मेवाड़ में महाराणा प्रताप को हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से राव चंद्रसेन थे। इनको भी अकबर मजबूर करता है, कई बार जो है अभियान भेजा जाता है चंद्रसेन के लिए कि ये आकर जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन आजीवन जो है ये जंगलों में भटकते रहे, और जंगल में रहकर ही जो है इन्होंने महलों से जो है अटैक नहीं किया था अकबर के ऊपर, इन्होंने जो है जंगल का सहारा लिया था, पहाड़ियों का सहारा लिया था, गुफाओं में रहकर जो है वे ये आजीवन जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, और वहीं से जो है वो युद्ध करते रहते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है चंद्रसेन, इनको भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो इनका व्याख्यान मैंने अभी आपको बताया, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह या बीकानेर के राजा राय सिंह। तो ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा, समर्पण नहीं किया। तो देखिए, आमेर के राजा भारमल ये तो पहले ही शासक रहे जो कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं आमेर के, तो ये तो नहीं होंगे। ठीक है, बीकानेर के राजा राय सिंह, तो इनके जो पिता थे कल्याणमल, तो ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, राय सिंह को भी करनी पड़ती है, ये भी नहीं थे। ठीक है, मेवाड़ के महाराजा जो अमर सिंह प्रथम हैं, प्रताप के बेटे, तो महाराणा प्रताप के बाद जो है थोड़ा सा यहाँ मुगलों की तरफ जो है इनको झुकना पड़ा था इनके बेटे की वजह से, तो ये भी नहीं है आंसर। यहाँ पर है मारवाड़ के राव चंद्रसेन। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था। गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी, गुजरात का चालुक्य नरेश भीमदेव सेकंड, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश या कन्नौज का गहडवाल शासक जयचंद।
तो सोचिए सही आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। तो अजमेर में पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक है, अजमेर के चौहान शासकों में, मेवाड़ में महाराणा प्रताप, मारवाड़ में राव चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, ये इंपॉर्टेंट शासक हैं जिनके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आंसर रहेगा दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है, तो ये जो है इनके समकालीन शासक नहीं थे। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी का तो युद्ध ही होता है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो ये तो सही है, समकालीन शासक हैं। गुजरात का चालुक्य नरेश भीमदेव सेकंड इनको ये हराते हैं, ये भी थे। कन्नौज का गहड़वाल शासक जो जयचंद थे, ठीक है, जयचंद गहेड़वाल, तो इनका विवाह जो है, इनकी बेटी पृथ्वीराज चौहान का जो विवाह है, इनकी बेटी जो संयुक्ता थी उनके साथ होता है, ठीक है। तो सब पहले जो है युद्ध होता है जयचंद के साथ, तो ये भी इनके समकालीन शासक रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? जालौर, अजमेर, रणथंबोर और चित्तौड़। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक महत्वाकांक्षी शासक रहा और ये जो है चाहता था कि पूरे विश्व को जो है वो जीते, ठीक है, यही इसकी जो है वो आकांक्षा थी। तो राजस्थान में सबसे पहले किस राज्य पर इसने अधिकार किया था? तो यहां पर सबसे पहले देखिए इसने रणथंबोर पर अधिकार किया था, ठीक है, जो 1301 ईस्वी का रणथंबोर का जो युद्ध होता है किस किस के बीच में, हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ जो है इसका जो एक सेनापति था उलुग खां, तो ये जो है इसके साथ में था, नुसरत खां इससे पहले ही जो है वो मारा जाता है, पहले जो युद्ध होता है वहीं पर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है नुसरत खां की। इस युद्ध में केवल उलुग खां था, ठीक है, उलुग खां था और हमीर देव चौहान थे, और इनके जो सेनापति थे एक कौन था, रणमल और दूसरा था रतिपाल, ठीक है। तो यदि आप भूल जाएं तो भी आप याद रखिएगा, रासे रणथंबोर है और रासे ही ये दो गद्दार थे रणमल और रतिपाल, इनके द्वारा ही हमीर देव चौहान जो कभी नहीं हारे थे, 16 युद्धों में जीते थे और 17वें युद्ध में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के आगे जो है ये हार जाते हैं, ठीक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है इन दोनों को क्या देता है, लालच देता है रणमल और रतिपाल को, और जिससे ये जो है इससे मिल जाते हैं और किले में जो है प्रवेश करने देते हैं, ठीक है, रणथंबोर के किले में, और इस वजह से जो है हमीर देव चौहान जो है इनको हारना पड़ता है। और इसके ये जो है केसरिया करते हैं, इनकी जो पत्नी होती हैं जिनका नाम था रंगा देवी, पुत्री पद्मला होती है, तो ये जो है वो पद्म तालाब में कूद कर जो है वो करती हैं जौहर, ठीक है। और 11 जुलाई 1301 को जो है यहाँ रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला अधिकार हो जाता है, और ये कहते हैं कि रणथंबोर या फिर राजपुताने का पहला शाका होता है 1301 ईस्वी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बता दी, तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो वैसे ही आप याद रखें कि राजस्थान का जो प्रथम शाका है वो हमने अभी देखा 1301 ईस्वी का है, रणथंबोर का शासक हम शाका है हमीर देव चौहान के समय का, ठीक है। मेवाड़ का अगर पूछते हैं, मेवाड़ का प्रथम शाका तो 1303 ईस्वी का है, रतन सिंह के समय, ठीक है, जो रावल रतन सिंह थे जिनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, पद्मावती। उसके बाद राजस्थान का जो अर्ध शाखा है वो कौन सा है, तो वो है लूणकरण के समय का, ठीक है, जैसलमेर में हुआ था जो लूणकरण के समय का। ये अर्ध शाखा क्यों है, क्योंकि इसमें जौहर तो हुआ था लेकिन केसरिया, सॉरी, इसमें केसरिया हुआ था, इसमें याद रखिए इसमें केसरिया हुआ था लेकिन इसमें जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्धशाखा हुआ। राजस्थान का पहला शाखा 1301 ईस्वी का रणथंबोर का शाखा था, मेवाड़ का पहला शाखा 1303 ईस्वी का रतन सिंह के समय, अर्धशाखा लूणकरण के समय जैसलमेर में हुआ था, इसमें जौहर नहीं हुआ, केसरिया हुआ था। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? बॉडक, नागभट प्रथम, कुक्कुक या रज्जिल। तो सोचिए सही आंसर इसमें क्या रहेगा। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है या ऐसी कोई भी डिटेल जो मैंने आपको बताई है जो कि आपके एग्जाम में नहीं आ सकती है,
तो बहुत ध्यान से, आप यदि कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए और एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत करने की कोशिश ना करें। इसका मतलब क्या है कि अगर आप गलत करेंगे तो उसका भुगतान जो है वो आपको ही करना होगा, ठीक है। एग्जाम में जो है वो भुगतान के लिए आपको क्या करना होगा, अब आपके जो एग्जाम होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो यदि आप नंबर लेकर भी आते हैं सही तो वहां से भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि आपने जो है वो क्या किया है, गलती की है। तो अब जो है वो गलती करने की संभावना जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नागभट्ट प्रथम। तो याद रखिएगा कि जो नागभट्ट प्रथम है इनको मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक जो है वह इनको उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। और इन्होंने जो है राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, यानी ट्रांसफर की, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने मेड़ता से जो है वो भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया, यहां से भी जो है अपनी राजधानी जो है वो उज्जैन को बनाते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपनी राजधानियां जो है वो स्थानांतरित की थी। तो ये जो सीक्वेंस जो है वो आप याद रखें, सबसे पहले मंडोर को अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो मेड़ता को अपनी राजधानी बनाते हैं, यानी कि जो स्थानांतरित की राजधानी वो पहली कौन हुई, मेड़ता हुई, दूसरी कौन सी हुई, भीनमाल हुई, तीसरी कौन सी हुई, उज्जैन हुई, ठीक है। और इनका जो उपनाम था वो रोहिल दी था, ये भी याद रखिएगा, रोहिल दी, ठीक है। और इसके अलावा नागवट प्रथम के बारे में और भी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति किसके द्वारा लिखित है, तो ये जो प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा, तो ये जो है मिहिर भोज ने बनवाई थी, मिहिर भोज ने बनवाई थी, ठीक है। और इसी में कहा गया था कि ये जो नागभट्ट प्रथम है इन्होंने अरबों को जो है सिंध से आगे जो है वो बढ़ने नहीं दिया था, ठीक है। इसी वजह से मिहिर भोज ने ही जो है इनको मलेच्छों का नाशक की संज्ञा दी, ये आप याद रखें। तो आज हमने जो है वो 15 प्रश्न किए हैं, ये समझिए आपके 15 नहीं, ये 30 से भी अधिक प्रश्न थे, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी डिटेल के साथ। थैंक यू।